से पहाड़ों की आवाज आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। खबर जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घर घर की खबर, गांव गांव की खबर। आज की ताजा खबर दो चकबंदी योद्धाओं की। एक चकबंदी योद्धा हमारे वॉइस ऑफ माउंटेन्स से जुड़े हुए हैं और दूसरे चकबंदी योद्धा दीनू चतुर्वेदी जी, जो ग्राम सभा बिलकोट के प्रधान हैं और गांव में जाकर गांव को सुधार रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी संजीव नेगी की रिपोर्ट। दोस्तों स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। हर छोटी बड़ी खबर के साथ आपको हम लोग हर एक क्षेत्र में आपको रूबरू कराते रहेंगे हर खबर के साथ। और आज मैं नैनाणा ब्लॉक में ग्राम सभा बिलकोट में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ है प्रधान जी दीनू चतुर्वेदी, जो यहाँ पे इनका जो कार्यकाल, अभी उनसे पूछते हैं क्या क्या काम चल रहा है। हमारे कुछ सवाल जवाब उनके जवाब रहेंगे कि अभी क्या चल रहा है, प्रवासी लगातार जो प्रवासी घर आ रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी योजना वो लेके आ रहे हैं और क्या क्या परेशानी उनके गाँव में। तो ले चलता हूँ आपको मैं ग्राम सभा बिलकोट। तो स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद और सभी को राम राम जी। जी और सर, अभी यहाँ पे आप लोगों का जो एक रास्ता है इसके बारे में मुझे कुछ सुना है कि काफ़ी समय से ये भी इसका जो काम है वो काफ़ी समय से चालू नहीं है। आप लोग अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हैं यहाँ का और किस तरह से आप लोग प्रवासियों को कौन कौन सी योजनाएँ आप उनसे रूबरू करा रहे हो, उनको प्रशिक्षण दे रहे हो और अभी क्या क्या काम आपके कार्यकाल में हुए हैं? ये जो रास्ता है, ये रोड गई जब से तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज तक ये ठीक नहीं हो पाया। और जो प्रवासी आ रखे हैं फिलहाल तो उनके लिए मनरेगा में ही काम है। अच्छा अच्छा। और आगे ये अगर कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन या दुग्ध व्यवसाय कुछ करना चाहे तो उनके लिए काम लाएंगे। नाम वाम भेजे होंगे आपने आगे उनके, जो अभी जब क्वारंटीन में रहे होंगे? तो लगभग 250 लोग आए हैं मेरी ग्राम सभा में। अच्छा। और सबकी सूचना आगे गई हुई है जी, जी, अब देखें जो लड़के रुकना चाहेंगे उनके लिए लाएंगे, जो उनकी डिमांड होगी। जी जी जी। चलो आपके साथ चलते हैं सर इस रास्ते पे जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो। देख रहे होंगे रास्ता पहले झाड़ियों से भरा हुआ था, इस तरह जो ऊपर देख रहे होंगे इस तरह के झाड़ियाँ थे। आप यहाँ पे प्रधान जी ने यहाँ पे झाड़ियाँ कटवा के ये सामने बिल्कुल जैसे जंगल आपने ऊपर देखा हुआ, जंगल नीचे भी था, यहाँ पे जंगली जानवरों का डर रहता है और वैसे भी ये मुख्य रास्ता है और यहाँ पे पानी है तो जानवर हो सकता है, जानवर भी आ सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने पूरा साफ किया बाहर तक, देख रहे होंगे आप लास्ट तक, बहुत बढ़िया काम किया है प्रधान जी के द्वारा। देखते हैं आगे कौन कौन सी योजनाएं। अभी हम पहुँच चुके हैं गाँव के पास, वहाँ पर ये पीने का पानी है स्रोत, देख रहे होंगे प्राकृतिक स्रोत है। सामने ये जड़ी बूटियों से निर्मित पानी है क्योंकि कई जड़ी बूटियों के बीच से ये निकलता हुआ पानी, और प्यास बुझाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। समय हम ग्राम सभा बिलकोट में पहुँच चुके हैं उनके गांव में, तो प्रधान जी से पूछते हैं अभी मनरेगा के अलावा और कौन कौन से काम इनके चल रहे हैं यहाँ पे और कौन कौन सी योजनाएं अभी इनके पास आए हुए हैं। फिलहाल तो वर्तमान में मनरेगा ही चल रहा है। अच्छा अच्छा। ना योजनाएं अभी तो धरातल पे कुछ नहीं है फिलहाल। अच्छा। मनरेगा में ही सारे काम हो रहे हैं। अभी जो आपके द्वारा सुना है कि आपने कुछ बहिष्कार भी किया है जिस टाइम क्वारंटीन में रह रहे लोग को आप व्यवस्था बना रहे थे उस टाइम, उसका थोड़ा बताएंगे ऐसा बात क्या हुई थी? हमारा जो है प्रशासन से बातचीत चल रही थी हमारी कि हमें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी। किट उट का कुछ होता किट वगैरह कुछ भी नहीं थी, मतलब यहाँ ना फंड वगैरह आया आपके लिए? फंड 10,000 रुपये आए, उसमें से इन्होंने 6,000 रुपये तो डायरेक्ट प्रधान को कह रहे दे देंगे। अच्छा। लेकिन 4,000 का जो है फिर भी घोल झोल चल रहा है इनका भी कि वो सामान जो है खरीदना और हम या आप स्वयं खरीदो या ला के देंगे हमें सामान, जबकि उस सामान की अब क्या हो सकता है। परेशानियां जो भी हुई क्वारंटाइन सेंटर में वो शुरू में हुई जब यहाँ शौचालय नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम पे आपने जो खर्चा जो भी आया था वो आपने खुद ही अपने पर्सनल खर्चे से ही सारा कुछ चलाया?
सरकार की तरफ से भी 10,000 रुपये आए हैं, जिसमें से 6 दे रहे हैं हमें। हमने लगभग 10 से कई ऊपर खर्च कर लिए, और इस दौरान तो मैंने तो 2 शौचालय भी बनाए। हमारे जूनियर स्कूल में शौचालय थे, लेकिन बिल्कुल बुरी स्थिति थी उनकी। तो कार्यकाल कितना हुआ आपका सर? अभी मुझे 6 महीने हुए हैं। 6 महीने 28 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, तो तब से कार्यकाल शुरू हुआ। इसमें आपका, आपने दो कह रहे थे, आपके आपने हौज क्या बनाए थे? अभी इस 6 महीने में मैंने जो है एक सीसी मार्ग बनाया सुंदोली मल्ली में जी। और एक जो है नवाला नवीनीकरण यहाँ यहीं पे बनाया मेहता बाकल में। आपके ग्राम सभा में सर कितने गांव आते हैं? 7 राजस्व गांव है मेरी ग्राम सभा में। अच्छा, और काफ़ी बड़ी ग्राम सभा है। अच्छा अच्छा। जिसमें जो है 2 प्राइमरी स्कूल, 1 जूनियर स्कूल है, 1 इंटर कॉलेज है। आपने कहा यहाँ पे कम से 200-250 तक के लोग जब क्वारंटीन में आए थे यहाँ पे, आपने जो व्यवस्था की थी उनके लिए, तो अभी वो लोग कर क्या रहे हैं, और आपके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने उनके थ्रू क्या क्या आपको बताया गया कि हमें कौन ये प्लान चाहिए, ये योजनाएं चाहिए जिससे हम घर में रुक सकें? मेरी ग्राम सभा में लगभग 250 लोग आए हैं जी। जी, अब उनके लिए योजना ये है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, या कोई दूध का व्यवसाय करना चाहता है, सारी योजनाएं हैं। तो आपके द्वारा कोई नाम अभी आए हैं उनके? अभी किसी ने नाम नहीं दिया अपना, अभी जो है सबके जॉब कार्ड बनाने के लिए दे रखे हैं जी। जी, जो मनरेगा काम चल रहा है वही वो लोग कर रहे हैं अभी? मनरेगा में काम चल रहा है। अच्छा, और वो कर रहे हैं, लगभग 30-31 लोग कर रहे हैं मनरेगा में काम। अच्छा, जो बाहर से आए प्रवासी। प्रशासन के थ्रू आपके पास अभी कौन कौन से बजट जो आया है जिसमें आपने काम करवाना है अभी, जो बैलेंस है? नहीं, बैलेंस तो मार्च में हो जाता है खत्म। अच्छा, जो अभी अभी आपके पास ऐसे कोई जिससे फंड आया हो और उसके बाद काम अभी स्टार्ट करना हो मनरेगा के अलावा? ना, मनरेगा के अलावा अभी कोई नहीं है फंड। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। मैं आज बिलकोट गांव में, मेरे साथ यहाँ पे ग्रामवासी हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या उन लोगों की समस्याएं हैं, और साथ साथ प्रधान जी भी मेरे साथ में ही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी हो जाएंगे उनके, उनको क्या क्या यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ रही है गांव में। तो सबसे पहले सर नमस्कार, आपका स्वाजो माउंटेन। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कन्हैलाल उनियाल। कन्हैलाल उनियाल है? हाँ जी। अच्छा, मैं सेवानिवृत्त अध्यापक जी। जी, और 2 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। और गांव की स्थिति जो है, ये प्रवासी जो भी आ रहे थे उनके लिए क्या लेबरी क्या काम करेंगे, कुछ उनके ऐसा धंधा हो, पढ़े लिखे लड़के हैं, क्वालिफिकेशन वाले हैं, या लेबरी काम करेंगे, उनके कुछ ऐसा काम होना चाहिए, मतलब उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे जी, जी, जी। थोड़े उनके ऐसे, मतलब सरकार ऐसे वो करे कि जो मतलब है कि उनको कुछ ऐसा काम मिले। हर कोई कृषि नहीं कर सकता, हर किसी की बस की बात नहीं लेबरी करना जी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऐसा प्रोजेक्ट टाइप का हो, ऐसे वो है कि कुछ लिखने वाला जो है कलम का आदमी कलम का काम कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये नहीं कि वो पत्थर लाने का काम या झाड़ी काटने का काम करे, योग्यता के आधार पर, जहाँ जिसकी योग्यता है उस पर थोड़ा सरकार को वो करना चाहिए। या प्रवासी जो वहाँ कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी बंद हो गई, गाँव में आ रखे हैं, थोड़ी उनको मतलब कि ये वो सोच करके चलना चाहिए कि जो उनके आधार पर उनका मतलब काम मिल सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी सर आपके गांव में कोई समस्या वगैरह इस तरह का? समस्या तो अब है, दुनिया भर के जानवर हैं, लोग कर रहे हैं, प्रवासी लोग खेती का काम कर रहे हैं, दुनिया भर के जानवर हैं, दुनिया कोई बंदर अलग हैं, कई सुअर हैं, जड़ाव हैं, कई प्रकार के हैं, उनके कोई साधन नहीं कि जो मतलब कि वो जानवर होगा वो अपनी खेती बचा सके, कई प्रकार की समस्या ये हैं। अभी प्रधान जी के थ्रू कई काम भी हो रहे हैं, और कई योजनाएं भी अभी आने वाले होंगे सरकार की तरफ से, तो आपके गांव में ऐसी कोई मूल सुविधाएं जो आपको चाहिए अभी? सुविधाएं तो अभी तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं, सुविधाएं तो होनी चाहिए सुविधाएं, लेकिन सुविधाएं को होते मुख्य सुविधा जो कि इस समय खेती का टाइम है, हर किसी ने अब खेती का काम का प्रवास करना है, लेकिन वो जानवर तीन अधिकता है जानवरों की, उसे करके क्या मिलेगा उनको। बिल्कुल। आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम भगवती प्रसाद है। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हो सर? मैं बस खेती बाड़ी है। हाँ। खेत, आजकल खेत लगे होंगे आपके? लगा रहे हैं आजकल, हल लगा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या बुआई चल रही है आजकल सर? दाल और गैत। अच्छा, गैतर मास। अच्छा अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी ठीक हो? खेती वगैरह जानवर बता दिया चाहिए। अच्छा, जानवर वगैरह बड़ी समस्या, जानवर सबसे बड़ी समस्या। अच्छा अच्छा, जानवर अगर घेर बार वगैरह हो जाए तो फिर घेर बार भी है, लेकिन घेर बार भी सारे जानवर फिर भी घुसा रहे अंदर, भी जो बनी है खेती है और बाकी कोई गेहूँ के लिए पानी है नहीं, किसी भी खेत में पानी की सुविधा यहाँ तो है ही नहीं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अजय कुमार। अच्छा, आप बाहर कहीं जॉब करते हैं? ना, मैं फिलहाल यहीं पे ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में आपको कौन कौन सी परेशानी अभी उठानी? गांव में तो बहुत परेशानी है, सबसे बड़ी चीज जो है अभी भाई साहब ने कहा खेती हमारे यहाँ तो तार बाड़ भी हो रखी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं करा ढंग से उन्होंने, अपने हिसाब से फैला दिया उसको, जहाँ मतलब अगर वो तार बाड़ हमारे गांव की इधर उधर होती तो गांव में सब्जी सब्जी तो कमाते हम, उन्होंने अपना क्षेत्रफल देगा और जो भी जितने किलोमीटर थे उसको पूरा कर दिया, और उसमें मतलब कोई दीवार वगैरह नहीं कुछ नहीं, जानवर मतलब अंदर ही है सब। प्रधान प्रधान जी सामने बैठे हैं, प्रधान जी के से के साथ क्या क्या सहयोग चाहिए आपको अभी गांव में? प्रधान जी तो बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तो एक तो महामारी फैल गई जिसके कारण थोड़ा सरकार भी है बजट कई दिक्कतें सामने आई हैं, कई दिक्कतें हैं बाकी। अभी अभी आप फिलहाल आपके गांव में जो परेशानी आपको उठानी पड़ रही होगी खेती के अलावा और भी कौन कौन? हम तो ये चाह रहे हैं जरा ये जैसे हमारे रास्ते वगैरह हैं बढ़िया, मगर संपर्क मार्ग बन जाए गांव से जुड़े रोड से थोड़ा 500 मीटर जो भी है, या तो रोड जहाँ तक भी आ सकती है या नहीं तो रास्ते हैं बढ़िया चौड़ीकरण। आपकी तो बहुत बढ़िया यहाँ पे रोड नज़दीक रोड है और रास्ते भी प्रधान जी भी देख के आए, हम तैयारी कर रहे हैं उसको सही करने के लिए। अभी यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सुविधाएं लगभग लगभग और गांव से मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कितने लोगों ने नेटवर्क, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे गांव में ऊपर नेटवर्क सुविधाएं नहीं है, प्रधान जी का घर ऊपर है लेकिन अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे। BSNL का पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क का तो बहुत बड़ी समस्या है, वो हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी झेल रहे हैं। अच्छा सर, अभी जिस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं हैं रोड वगैरह का भी बहुत बढ़िया, पानी का भी ठीक ठाक है, तो अभी यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे अभी इस गांव में हैं अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में तो नाम के तो मेरे ख्याल से 30-35 परिवार है हमारे। अच्छा, लेकिन अच्छा। किसी में दो आदमी है, किसी में चार है, किसी में सिंगल भी है। पलायन का मतलब वही मार मतलब यहाँ पे पलायन तो सर वहाँ बहुत बड़ा इशू है। आजकल तो कई लोग अब आए हुए हैं गाँव में प्रवासी? नहीं, प्रवासी हमारे यहाँ पे तो कम आए लोग, लेकिन जो आए हैं इधर उधर से तो सब वही है रोजगार। यहाँ पे तो मैं तो कहता हूँ कि अगर 8-10 हज़ार रुपये का भी मंथली मिल जाए उनको तो आदमी कहीं बाहर ना जाए। बिल्कुल। मैं सरकार ने चकबंदी लागू कर दी है, अभी धरातल पे कब आएगा वो बात की बात है। आप सर चकबंदी बारे में क्या कहना, कितना मतलब बेनिफिट है लोगों के लिए आपका कोई? चकबंदी अगर लागू हो गई है तो स्वागत योग्य कदम है सरकार का। चकबंदी पहाड़ी क्षेत्र के लिए तो बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब बचपन में खेत लगाते वो हल लगाते थे खेतों में जाते थे तो लगभग आधा आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारे खेत हैं, तो एक खेत से आधे किलोमीटर दूर जाना बैल लेके काफ़ी दिक्कत होती थी, या बंदर या पक्षी वगैरह अगर गेहूँ खाने आते थे तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी। यानी अगर चार खेत थे तो चार आदमी चाहिए होते थे, अगर बिखरे हुए खेत थे, अगर चकबंदी हो जाती है हमें एक चेक मिल जाता है तो उसमें आसानी होगी खेती करने में भी और उसकी सुरक्षा करने के लिए भी बहुत आसानी होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं चकबंदी के बारे में सर? चकबंदी में देखो, चकबंदी तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें एक सामने अगर ज़मीन मिल जाए एक परिवार को तो अच्छी तरह उसकी देखभाल कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है आजकल जंगली जानवरों का जो है बड़ा मातम मचाया हुआ है इन्होंने, इसमें बंदर हैं, सुअर हैं और बारहसिंगा है, ये हिरन हैं, इन्होंने जो है यहाँ बहुत तांडव मचा रखा है और उनसे जो ज़मीन की उपज जो होती है वो सब खा जाते हैं। जितना भी है किसान जो कमाता है तो आसानी से वो जो है निकल आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी कोई इंजाम नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपका यही है कि अगर हमें एक सामने एक चेक मिल जाता है तो हम घेरबाड़ भी कर सकते हैं और जरूर नहीं कि हम खेती कर सकते हैं, कोई चीज़ गेस्ट हाउस है कहीं से चीज़ भी खोल सकते हैं वहाँ पे, है ना जी जी। सरकार को जो है हिमाचल की तर्ज पर अनिवार्य चकबंदी करवानी चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक चकबंदी बहुत मुश्किल है पहाड़ों में, अगर अनिवार्य हो तो तब फायदा है जी। अनिवार्य अभी फिलहाल उन्होंने अनिवार्य चकबंदी पर ही उन्होंने सारा लागू किया है सरकार ने, आगे धरातल पर देखते हैं कब आता है। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहोगे सर? मैं सर क्या मतलब किस बारे में? जिस बार आप अभी कहाँ रहते हो आप? मैं इधर गांव में, मैं तो एक्सीडेंट हुआ था ना तो 3 महीने से इधर ही हूँ मतलब। अच्छा अच्छा, अभी क्या कर रहे हो सर आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मतलब बीएड चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा, तो गाँव में आजकल कई योजनाएँ चल रही हैं, आप उनमें से कुछ देख रहे हो अपने लिए? योजनाएं तो काफ़ी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में, मतलब अगर कोई बाहर से आ रखा है तो उन सब के लिए योजनाएं काफ़ी हैं और लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। जैसे मनरेगा का चल रहा है तो उसमें आधे से ज़्यादा मजदूर मतलब जो काम करना चाह रहे हैं आजकल, क्योंकि काम की बहुत दिक्कत है,
तो इसलिए सारे मतलब गांव के जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो आधे से ज़्यादा मनरेगा में काम कर रहे हैं, और उसमें से जो हमारे साथ के हैं वो भी काफ़ी हैं। अच्छा, आप बिल्कोट गांव से हो, आपके गांव में कोई ऐसी कुछ समस्याएं दिक्कतें अभी आ रही होंगी लोगों को, चाहे वो रास्ते से लेकर हो, पानी से लेकर हो, या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जंगली जानवर वगैरह इस तरह से कोई परेशानी है? हाँ, परेशानी थी, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे बीच में हैं प्रधान जी जो नए बने हैं उन्होंने काफ़ी मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई। आप जैसे कि कुछ टाइम पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी हमारे गांव में, थी नहीं, मतलब कभी टूट जा रहा था या कभी कुछ भी मतलब भारी दिक्कत चल रही थी पानी की, तो अब उन्होंने उसका हल पूरा निवारण कराया और अब पानी मतलब ऐसा कि 24 घंटे उपलब्ध है हमारे गाँव में। और बाकी सड़क उड़क जो भी है गाँव में आने जाने के रास्ते बना रहे हैं, जहाँ पर टूटा हुआ उसको सही करवा रहे हैं, और पानी का जो पुराने स्रोत थे उनका दोबारा निर्माण करवा रहे हैं, मतलब जो टूट गए थे उनको अच्छे से रिपेयर हो रहा है वो। आपका शुभ नाम? मेरा नीरज चतुर्वेदी। अच्छा, मेरे साथ नीरज चतुर्वेदी थे जो अभी फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे हो सकता है कि कुछ अपना काम करना चाहेंगे या आगे जो तैयारी कर रहे हैं। शुभकामना देते हैं सर आपको, आप लगे रहिए। आपको ले चलता हूँ मैं गाँव में लोगों के बीच, वहाँ पर देखते हैं लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं और वो लोग क्या चाहते हैं अपने गाँव में। तो पहले तो स्वागत चापा भाई जो माउंटेन में। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल जी। उम्र क्या वाला पाई बेटा? 73। 73 है? हाँ। अच्छा अच्छा, आपके विभाग से कार्यरत था पहले? अभी पहले मैं फौज में था, बंगाल इंजीनियर में। अच्छा हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया? 6 साल। बहुत बढ़िया है। 71 में। अच्छा, 71। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपक गाँव जो बिल्कोट ये प्रधान जी आजकल काम वम कराना सीजन है, मंडी का काम चलन चु, रास्ता काम चलन चु, क्योंकि रास्ता पहले बेटे बहुत पहले बेटे रास्ता बड़ी कठिन मतलब रास्ता बहुत दिक्कत छाई है ना, तो अभी आप तक क्या लगा क्या समस्या और कुछ जिनका नहीं जब आप तक जो जन हुए राजन अगर नहीं होने लगे तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, विकास में हूँ, विकास हुई है मैं गाँव भाई। अभी बच्चा यहाँ अच्छी घर है जिस हिसाब से कि इस एक कोरोना महामारी बीच में अपना अपना घर है यहाँ अच्छी है ना, तो वो था आप क्या लगाते अपनी अगर रोजगार मिल सका तो क्या के साहब चांदो की वो अपने प्रधान द्वारा रोजगार ये तो वो मन पसंद थी क्या रोजगार चढ़ दी वो मिल के बोलने की तुम इन काम करो। नहीं आप कुछ ढंग से बड़ी खुशी की बात है। एक रोटी मेरे मिल जाए पके पकाए दिया अकेला। उत्तराखंड आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आप को सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दिनों ते से की समाली लावा ए जावा ए जावा।